हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजोद्रोट पुलिस थाना परिसर में अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी के नेतृत्व में पुलिस कर्मी समाज सेवी लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान थाना अधिकारी ऊर्जा राम गोविंद दबे, सुनीता सोनी पार्षद, वीरेंद्र पुनिया, घनश्याम सेन, सोहन लाल, विष्णु कुमार व्यास, कांस्टेबल सीमा देवी, घनश्याम नर सिंह, उमरा राम गुजर, परिचारक आयुर्वेद सहित कई लोग उपस्थित थे। अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी व पार्षद सुनीता सोनी ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। इधर पाली जिला आज भी मानसून के बाद प्यासा नजर आ रहा है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सुनीता सोनी पार्षद सोजत इन्होंने ये कहा। लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने 72वें वन महोत्सव और घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया है। इसमें यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया है कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के संतुलन के लिए वनों का क्या महत्व है। हमारी प्राचीन संस्कृति और प्राचीन चिकित्सा पद्धति में औषधीय पौधों का विशेष महत्व है। राजस्थान प्रदेश में संभवतः पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरह की लोगों को बताने के लिए, जन चेतना जागृत करने के लिए इस प्रकार की अनूठी योजना को प्रारंभ किया है। इन औषधीय पौधों को जिसमें कि गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा जैसे पादप हमें वितरित किए जाएंगे लोगों में। हमारे राजस्थान की 1,26,00,000 परिवारों को ये निःशुल्क और 5 वर्षों में 3 बार वितरित किए जाएंगे और उन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे कि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भावी पीढ़ी को यह सौगात मिल सके। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।